हेलो यूट्यूब फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है भारत लकड़ावाला की दुनिया। फुल वॉच के साथ में मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाजू में जो बेल आइकन है आप ऑल पे क्लिक करोगे तभी आप सभी लोग को मेरा नया नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। रावण सागर ने रामायण सीरियल बहुत अच्छा बनाया भी था और आज की तारीख में भी रामायण सीरियल बहुत ही ज़्यादा सभी लोग को पसंद भी आ रहा है और हमेशा आते रहेगा, क्योंकि रामायण सागर ने जो इतना अच्छा डायरेक्शन के साथ में जो सीरियल बनाया है वो बहुत ही बेहतरीन बनाया है। और बच्चे लोग को भी ये रामायण सीरियल में जो डायलॉग अच्छे अच्छे जो बोलते थे वो बच्चे लोग को भी ये डायलॉग बोलने को भी आ जाता था। और जब पुराने जमाने में चलते हैं तो पुराने के जमाने में जब टीवी चालू होता था तो सभी लोग के घरों में घर के बाहर जूते चप्पल निकाल के जब टीवी चालू करते थे तब घरों के अंदर जाके बैठते थे और रामायण सीरियल देखते थे। क्यों? क्योंकि इसके साथ में प्रेम भाव भक्ति आस्था ये सब इसके साथ में जुड़ी हुई थी। राम भगवान की मैं बात करूं तो राम भगवान के चेहरे के ऊपर जो अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन थे वो सभी लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। सीता माता जी जब डायलॉग बोलती थी सभी लोग को बहुत ही अच्छा लगता था। लक्ष्मण जी जो डायलॉग बोलते थे सभी लोग को वो भी पसंद आता था। लेकिन 16 तारीख को 600 करोड़ का एक नया मूवी सिनेमा घरों में आया और ये फिल्म का नाम है आदि पुरुष। डायरेक्ट ओम राउत ने ये डायरेक्ट किया हुआ है और लेखक मनोज मुतीशी ने लिखा हुआ है। और क्या घटिया डायलॉग लिखे हुए, बाप रे बाप। जब ये मूवी चालू होता है तब अच्छे लगने लगते हैं और फिर में जैसे जैसे आगे बढ़ता है तब मूवी बेकार लिखने लगता है। क्यों? अभी रामायण में चलते हैं। रामायण में जो ऐसे ऐसे सीन्स दिखाते थे सभी लोग को बहुत ज्यादा पसंद भी आता था। प्रभास की मैं बात करूं तो प्रभास के चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, वो है गुस्से वाला। जो पहले बाहुबली में जो एक्सप्रेशन के साथ में जो डायलॉग बोलते थे उस पे भी गुस्सा था और इस पे भी गुस्सा ही दिखाया है। और बहुत बड़ा जो पेड़ था वो पेड़ के ऊपर तो हाथ नहीं रखता है, डायरेक्ट जंप मारता है। ये सब एक कार्टून कैरेक्टर सब खड़े किए हुए हैं और सब चीज में कॉपी मारा हुआ है। कुछ आपको इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा भी नहीं और इसमें कुछ नया है भी नहीं। अभी ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे बोलो कि क्या बात करो भाई, मूवी ऐसा है? तो मूवी में ऐसी ऐसी मैं बात बताऊंगा जो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। रामायण में जब रावण लंकापति रावण सीता माता जी का जब हरण करते हैं तब बहुत बड़ा पुष्प विमान आता है और पुष्प विमान में लेके भी जाते हैं सोने की लंका में। और ये मूवी में क्या दिखाया है कि बहुत बड़ा चमगादड़ आता है, सीता माता को बेहोश कर लेते हैं और बेहोश करने के बाद में उसके ऊपर सुला देते हैं। ये कैसा डायरेक्शन है भाई और कितना घटिया डायरेक्शन है। और लंकापति रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे
कभी भी रावण ने नॉनवेज उसकी जिंदगी में खाया नहीं है, लेकिन आदिपुरुष के अंदर दिखाया है कि बहुत बड़े चमगादड़ को नॉनवेज खिला रहे और लंकापति रावण कभी अपने तलवार के ऊपर हथौड़ा नहीं मारते थे। अभी आदिपुरुष के अंदर क्या दिखाया है कि लंकापति रावण सोने की तो लंका है नहीं, पूरा काला काला लंका बना हुआ है, और सैफ अली खान अपने तलवार के ऊपर हथौड़ा मारते हुए दिखाया है। ऐसी स्क्रिप्टिंग, ऐसा डायलॉग कैसा मूवी बनाया है जो बच्चे लोग को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और मैं आपको ऐसा सीन बताऊंगा जो आपको ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। सीता माता जी को गलती से छल खपट से गर्दन के ऊपर चाकू रख के डल के सीता माता जी को मार डालते हैं। रामायण में तो ऐसा कभी दिखाया भी नहीं है। ये कैसा रामायण आपने बनाया है? आदिपुरुष कैसा बनाया आपने? इतना घटिया आदिपुरुष। और सैफ अली खान सांप के ऊपर सो रहा है, मैं एक आपको मैं बता देना चाहता हूं, हो सकेगा तो प्लीज फ्रेंड्स, एक मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि बच्चे लोग को ये आदिपुरुष मूवी बिल्कुल भी मत दिखाना, क्योंकि ये मूवी देखने से बच्चे लोग तो बिगड़ जाएंगे लेकिन इसमें से देखने को कुछ भी सीख नहीं मिलेगी। हाँ, आप पुराना आप रामायण दिखाओ, स्टार गोल्ड पे हर रोज रामायण सीरियल आता है और उसमें से प्रेम भाव भक्ति आस्था ये सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आदिपुरुष बच्चे लोग को बिल्कुल भी मत दिखाना, मैं इतना ही गुजारिश करना चाहता हूं बस। सो YouTube फ्रेंड्स, आप सभी लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे न्यू ब्लॉग पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और भी नए नए ब्लॉग वीडियो YouTube चैनल पे अपलोड होना बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ फ्रेंड्स, जाते जाते मैं और एक बार में बात बोलना चाहता हूँ कि आदिपुरुष जो है बच्चे लोग को बिल्कुल भी न दिखाए तो बेहतर होगा।